जय श्री माता जी। समस्त ध्यान यात्रियों को इस चेतना का प्रणाम। शुभारंभ होने जा रहा है आज की ध्यान यात्रा का। सभी से निवेदन है कि अपने अंतर मन को, अपने अंतःकरण को इस यात्रा के लिए तैयार कर लें और अपने समस्त संगी साथियों को भी इस यात्रा पर चलने के लिए आमंत्रित कर लें, जो इस यात्रा को और भी ज्यादा रोचक और आनंददायी बना देते हैं। यानी हमारा चित्त जब ये श्रीमा के प्रेम में सराबोर होने लगता है, तो हमारी चेतना अत्यंत आनंदित होने लगती है और चेतना का आनंद हमारी जागृति में प्रवेश करता चला जाता है और हमारी जागृति के कोश सक्रिय हो जाते हैं ग्रहण करने के लिए जो भी इस ध्यान यात्रा में परमेश्वरी के द्वारा हमें प्राप्त होता है। क्योंकि जागृति के साथ जुड़ी है हमारी आत्मा, जब मां के प्रेम की ऊर्जा हमारी आत्मा को स्पर्श करती है, तब हमारी आत्मा में प्रकाश आना प्रारंभ हो जाता है। जैसे एक दीपक को हम अग्नि के द्वारा प्रज्वलित कर देते हैं, तो यही ऊर्जा रूपी मां आदि शक्ति की अग्नि से हमारी आत्मा प्रज्वलित होने लगती है और प्रज्वलित आत्मा के प्रकाश में मन भी अमन में परिवर्तित होने लगता है। जब तक मानव के भीतर में मन सक्रिय रहता है, तब तक मानव अत्यंत बेचैन रहता है। नाना प्रकार के विचार उसको आशंकित व आतंकित करते रहते हैं और वह आशंकाओं और आतंक के चलते भयभीत होने लगता है और ये भय मस्तिष्क को नकारात्मक रूप से सक्रिय कर देता है और मस्तिष्क हमारे नर्वस सिस्टम में विष को स्रावित करना प्रारंभ कर देता है और हम भीतर ही भीतर अत्यंत कमजोर, क्षीण, हीन, दीन वाली अवस्था में अपने को महसूस करने लगते हैं। इसीलिए अपनी इन चारों विभूतियों को हम ध्यान यात्रा में चलते हुए अपने साथ ही रखते हैं और इसी के साथ हम जोड़ लेते हैं
अपनी समस्त संवेदन इंद्रियों को, जो संवेदन इंद्रियां आम हालात में मानव को नाना प्रकार की उलझनों में उलझाती रहती हैं, क्योंकि इनका संबंध हमारे इमोशंस से होता है, यानी कि मन और संवेदन इंद्रियां एक साथ जुड़कर मानव को नकारात्मक घटनाक्रम की ओर मोड़ सकती हैं। इसीलिए अपनी समस्त संवेदन इंद्रियों को पूर्ण जागरूकता के साथ अपनी ध्यान यात्रा में शामिल करना चाहिए। इससे संवेदन इंद्रियां भी, जो इमोशंस के प्रति, भावनाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील थीं, अब वो परम के प्रति संवेदनशील होने लगती हैं। और यही संवेदनशीलता हमारे यंत्र में अत्यंत तीव्रता के साथ परम की ऊर्जा को हमारे यंत्र में शोषित करने का कारण बनती है। तो चलते हैं अपने मध्य हृदय की ओर, जहां पर चिर प्रतीक्षारत हमारी श्रीमां बड़े प्रेम के साथ हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। अपने हृदय रूपी प्रांगण में बैठकर विश्व की समस्त जागृत चेतनाओं के सूक्ष्म अस्तित्वों के साथ श्रीमां को साष्टांग प्रणाम करेंगे। और श्रीमां से प्रवाहित होने वाली दिव्य ऊर्जा को अपने सहस्त्रार के माध्यम से शोषित करेंगे, और इस शोषण की प्रक्रिया में अपने स्थूल शरीर के समस्त रोम छिद्रों को भी शामिल करेंगे, यानी मां की प्रेम ऊर्जा को सहस्त्रार के माध्यम से ग्रहण करते हुए पूर्ण तत्परता में जागरूकता के साथ अपने रोम छिद्रों पर भी हम निगाह रखेंगे कि श्री ऊर्जा के ग्रहण करते समय हमारे रोम छिद्र भी किस प्रकार से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ देर के लिए इसी ऊर्जा के प्रवहन में, ग्रहण करने में अपनी चेतना को, मन को, चित्त को, जागृति को, समस्त संवेदन इंद्रियों को रमाते हैं।
पूर्ण एकाग्रता के साथ अपने ही अंतःकरण में हम एकाकारिता को स्थापित करेंगे। महसूस करेंगे हम पूर्ण रूप से अपने ही भीतर में स्थापित हो गए हैं। इस क्षण हम में से बहुत से लोग अपने भीतर में एक स्थायित्व को अनुभव कर रहे होंगे। इस स्थायित्व के साथ अद्भुत शांति का समन्वय भी अनुभव दे रहा होगा। आंतरिक स्थायित्व व शांति की एकाकारिता आनंद को प्रस्फुटित करना प्रारंभ कर देती है। और प्रस्फुटित होते हुए आनंद का रसपान हमारे ही भीतर में स्थित परमेश्वरी के साम्राज्य में प्रवेश करने का सामर्थ्य हमें प्रदान करता है।
इस साम्राज्य में उपस्थित हैं, समस्त ब्रह्मांड का संचालन करने में मदद करने वाले समस्त देवी देवता रुद्र गण सद्गुरु संत यानी परमेश्वरी के द्वारा निर्मित समस्त शक्ति रूपी अनेकों विभूतियां महसूस करेंगे कि हमारा सूक्ष्म अस्तित्व धीरे धीरे परमात्मा के आंतरिक साम्राज्य में प्रवेश करता जा रहा है। हमारे सूक्ष्म अस्तित्व के चारों ओर समस्त देवगण उपस्थित हैं। महसूस करें एक सुखद दिव्य एहसास इस वक्त हमको भीतर ही भीतर में अनुभव हो रहा है।
अब इसी अवस्था में अपने ही भीतर में स्थित शून्यता के महासागर में हम प्रवेश कर जाएंगे। और केंद्रित करेंगे केवल और केवल शून्यता पर। शून्य, शून्य, शून्य। इस शून्यता की समाधि का हम कुछ देर के लिए आनंद लेते हैं। यह शून्य समाधि नहीं, वास्तव में श्री मां की सुखद गोद है। जैसे एक मानवीय मां की गोद में बच्चा निश्चिंत होकर सो जाता है, ऐसे ही भीतर में स्थित शून्यता की समाधि श्री मां की गोद सम है।
और इस गोद में हमारा मन रूपी बच्चा सो जाता है। और इस बच्चे के सोने पर विचारों रूपी सक्रियता समाप्त हो जाती है। और हम अपने ही भीतर में दिव्यता का आनंद ले रहे होते हैं। भौतिक विचार हमें संसार से निरंतर जोड़े रखते हैं। और विचारों का अभाव हमें परम के संरक्षण में स्थापित कर देता है। तो शून्यता की समाधि में हमारा उतरना अत्यंत आवश्यक है। तभी हम अपने भीतर में परमात्मा के विशालतम साम्राज्य का भ्रमण कर सकते हैं। और इस भ्रमण से अर्जित की हुई समस्त संपदा को अपनी चेतना में जागृति रूपी कोशों में सुरक्षित कर सकते हैं। यह सुरक्षित हुई संपत्ता ही तो हमारे आत्मज्ञान में परिवर्तित हो जाती है। शून्यता रूपी श्री मां की गोद में हम बने रहेंगे।
महसूस करें, हमारे भीतर में श्री शिव की आराधना घटित हो रही है। गौर करें, ऐसा प्रतीत हो रहा है इस परमात्मा के साम्राज्य में समस्त देवगण, ऋषि मुनि, साधक, योगी श्री शिव की आराधना में मगन है। ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे ओम नमो शिवाय भीतर ही भीतर गुंजायमान हो रहा हो। महसूस करेंगे
महसूस करेंगे। अंतःकरण में चलने वाला यह उच्चारण हमारी चेतना को ऊपर की ओर ले जाना चाहता है। ओम नमो शिवाय। अंतर चेतना में गुंजायमान होने वाला उच्चारण ऊर्जा के साथ बाहर निकलने को आतुर है। धीरे धीरे अपनी चेतना को भीतर से बाहर की ओर लेकर चलेंगे। यह ऊर्जा स्वतः ही हमारी चेतना को ऊर्ध्वगामी बना रही है, पूर्ण अप्रयास अवस्था में। धीमे धीमे हमारी चेतना हमारे उद्गम की ओर अग्रसर हो रही है।
पूरे ब्रह्मांड को पार करते हुए हमारी चेतना श्री पार ब्रह्म के श्री चरणों में स्थापित हो रही है। श्री पार ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में एक अद्भुत मौन की स्थिति अनुभव दे रही है। चिर स्थायी मौन, कोई सक्रियता नहीं, कोई ऊर्जा का घटनाक्रम नहीं, मौन शून्यता का उत्कृष्ट स्वरूप है। हमारी जागृति हमारे अंतर मन में शून्यता का आनंद ले रही है, तो हमारी चेतना इस विलक्षण मौन के आवरण में खोती जा रही है। यह दोनों घटनाक्रम एक साथ घटित हो रहे हैं। हमारा मन, हमारी जागृति में विलीन हो गया है और हमारा चित्त चेतना में समा गया है।
हमारी आत्मा इन दोनों घटनाक्रम का साक्षी भाव में आनंद ले रही है। हमारा अस्तित्व आत्मा में खुल गया है, यानी तीन अवस्थाएं एक साथ बनी हुई हैं। शून्यता, मौन और साक्षी इन तीनों अवस्थाओं में जब इंटीग्रेशन एकात्मकता स्थापित हो जाती है तो यह तीनों अवस्थाएं चेतन में समा जाती हैं। तीनों की पृथकता समाप्त और हमारा अस्तित्व चेतन का हिस्सा बन जाता है और इस क्षण हम चेतन में ही परिवर्तित हो रहे हैं। इट इज द कन्वर्जन ऑफ ऑल द थ्री स्टेट्स।
और धीरे धीरे यह चेतन भी अचेतन में विलीन होता जा रहा है। सभी कुछ अचेतन से प्रकट हुआ है। चेतन संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान है। और अचेतन सृष्टि का स्रोत है। और अचेतन का हिस्सा जब चेतन बन जाता है, या ये कहें चेतन अचेतन में समा जाता है, तो नगण्यता घटित होती है। और नगण्यता की अनुभूति सच्चिदानंद का आभास कराती है। शून्यता में आनंद प्राप्त होता है। मौन में निरानंद और नगण्यता में सच्चिदानंद।
इस विलक्षण नगण्यता की पनाह में हम एक दो मिनट तक और बने रहेंगे। अचेतन को अपने अस्तित्व का संचालन करने दो। Let the unconscious maneuver our existence. This is the best state of meditation. Let the unconscious control our own being. Practice this state again and again to maintain this state forever. इसी अवस्था को अभ्यास के जरिए बनाए रखें। इसी के साथ ध्यान का यह प्रीतम चरण समाप्त होता है। जय श्री माता जी।